एक और रोमांचक मुकाबला खत्म हो चुका है और एक और टीम, एक बार फिर से एक टीम के इरादे मजबूत हो गए हैं कि प्लेऑफ्स की रेस में वो अभी भी बनी हुई है। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, आईपीएल 2023 का 66th मैच खेला गया पंजाब और आरआर के बीच में। लग रहा था कि आरआर मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन 4 विकेट से आरआर जो है मुकाबला जीत भी गई, जैसे कि लग ही रहा था। पंजाब एक बार फिर से हार गई, 2 बार लगातार मुकाबले हार गई है पंजाब। हैदराबाद, दिल्ली तीनों ऑफिशियली जो है प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, आईपीएल से बाहर हो चुकी है। अब भैया पॉइंट्स टेबल यहां पे फंस चुका है, क्योंकि अब आप अपनी स्क्रीन्स पर नजर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन्स पर दिख रहा होगा कि पॉइंट्स टेबल का क्या सूरत हाल है। पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर अब मुंबई आ गई है, 5वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की रॉयल टीम आ चुकी है 14 अंकों के साथ, और नेट रन रेट भी इनका प्लस में आ चुका है, जो कि माइनस में था नेट रन रेट वो प्लस में आ चुका है। अब आपको 5 टीमें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी जीत हासिल करना बहुत ज्यादा दूर है, जो ट्रॉफी है आईपीएल की बहुत ज्यादा दूर है। अब आपको समझाते हैं इस वीडियो में कि आरआर के कैसे इरादे मजबूत है, कैसे आरआर अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकती है। देखिए, आज का मुकाबला जीत गई, 14 अंक आ गए आपके पास, पॉजिटिव में नेट रन रेट आ गया, सब ठीक है। लेकिन अगला मुकाबला कौन सा होगा, कौन सा जीतना पड़ेगा? राजस्थान के तो मुकाबले बचे ही नहीं है। अब जो है राजस्थान की, अगर राजस्थान को प्लेऑफ्स में जाना है तो मुंबई और आरसीबी पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, दरअसल मुंबई अपना अगला जो मैच है एसआरएच के खिलाफ, अगर मुंबई अपना वो मैच हार जाए और आरसीबी का जो अगला मुकाबला है गुजरात के खिलाफ, अगर आरसीबी वो मुकाबला हार जाए तो फिर चांसेस है कि राजस्थान की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अगर मुंबई और आरसीबी दोनों में से एक भी टीम जीत गई तो फिर राजस्थान का गुड बाय टाटा खत्म, रजवाड़ों का सीन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। यानी सिंपल सी गणित है कि अब जो है अगर प्लेऑफ्स में जाना है तो आरसीबी और मुंबई बनाना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि दोनों में से दोनों टीम जो है वो हार जाए अपने अगले मुकाबले। अब आप बताइए कमेंट्स के जरिए, आपको क्या लग रहा है कि आरसीबी और मुंबई दोनों हार सकती है क्या? राजस्थान की टीम प्लेऑफ्स में जा सकती है क्या? रजवाड़े एक बार फिर से टॉप 2 में तो नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब एलिमिनेटर में जरा परफॉर्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा।